Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching. हैदराबाद की प्रसिद्ध मक्का मस्जिद में हुए ब्लास्ट मामले में 11 साल बाद आज फैसला सुनाया गया। इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने आरोपी स्वामी असीमानंद समेत सभी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि फैसला सुनाने के लिए आरोपी असीमानंद को नामापल्ली कोर्ट में लाया गया था। स्वामी असीमानंद मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। 18 मई 2007 को हुए इस ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए थे जबकि 58 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस की फायरिंग में भी कुछ लोग मारे गए थे। एनआईए मामले की चतुर्थ अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र सह विशेष अदालत ने केस की सुनवाई पूरी कर ली थी और इस मामले में 10 आरोपियों में से 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।